in the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, in the last lecture, we have studied about the composition of DNA. Today, we will discuss about Watson and Crick model of DNA. Watson और Crick दो young scientists थे. They are doing research in the University of Cambridge. इससे पहले Wilkins और Franklin ने DNA का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को वाज़े किया था और उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक को इस्तेमाल किया था. वाटसन और क्रिक ने विल्किंस और फ्रैंकलिन की रिसर्च को भी स्टडी किया, उनकी मालूमात को भी सामने रखा और डीएनए का एक स्केल मॉडल पेश किया जिसे वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं. वाटसन और क्रिक को नोबल इनाम भी मिला. जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए. जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बिल्ट द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए. जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया उसमें चंद एक इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने ये बात मालूम की डीएनए जो है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स पर मुश्तमिल है. टू कॉइल्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है. ऑल द डेटा स्ट्रांगली सजेस्ट दैट number one, DNA is made up of two polynucleotide chains or strand. DNA is made up of two polynucleotide strands or chains. DNA दो polynucleotide chains पर मुश्तमिल है, यानी many nucleotides join together through phosphodiester bond and make a chain which is known as polynucleotide chain. Number two, these two strands are coiled around each other in the form of double helix. The two strands are coiled around each other in the form of double helix. देखें जी, इस
फिगर के अंदर दो पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड दिखाए गए हैं, ये आपस में क्वाइल हैं। हर स्ट्रैंड जो है ये कई न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। वन स्ट्रैंड विल स्टार्ट फ्रॉम 5' एंड टू द 3' एंड डायरेक्शन एंड अदर स्ट्रैंड स्टार्ट फ्रॉम 3' एंड डायरेक्शन टू द 5' एंड डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं दीज टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल। नंबर 3, क्वाइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड इज अपोजिट दैट इज दे क्वाइल एंटी पैरेलल टू इच अदर। दे क्वाइल एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 4, वन चेन रनिंग फ्रॉम 3' एंड टू 5' एंड वाइल द अदर रनिंग फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड। यानी ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट हैं। एक चेन 5' एंड से 3' एंड की तरफ और दूसरी चेन 3' एंड से 5' एंड की तरफ। नंबर 5, एडिनिन बेस इज ऑलवेज अपोजिट टू थाइमीन व्हाइल गुआनिन इज ऑलवेज अपोजिट टू साइटोसिन। एडिनिन इज ऑलवेज अपोजिट टू थायमिन वाइल गुआनिन इज ऑलवेज अपोजिट टू साइटोसिन। देखिए जी, अगर यहां ए है तो यहां टी होगा, यहां सी है तो यहां जी होगा। ए और टी के दरमियान डबल हाइड्रोजन बांड होता है। सी और जी के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बांड मौजूद होता है। इन टू चेन्स की अपोजिट क्वाइलिंग की वजह से दो किस्म के ग्रुप वजूद में आते हैं, एक मेजर ग्रुप और एक
माइनर ग्रूव, बड़े ग्रूव को हम मेजर ग्रूव कहते हैं और छोटे ग्रूव को हम माइनर ग्रूव कहते हैं। तो सो इस अपोजिट क्वाले की वजह से मेजर और माइनर ग्रूव वजूद में आते हैं और ये दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में हेल्ड की जाती हैं। नंबर सिक्स, द टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर by hydrogen bond. There are two hydrogen bonds between adenine and thymine. And three hydrogen bonds between cytosine and guanine. यानी A और T के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और C और G के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। हेलिक्स के हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं और एक टर्न का जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो 3.4 नैनोमीटर है या 34 एंगस्ट्रॉम है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये वन टर्न है और इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। नंबर सेवन, द टू स्ट्रैंड्स वाउंड ईच अदर The two strands wound each other so that there are ten base pairs in each turn. About 34 extrons. One extron unit is equal to 1
100 मिलियन सेंटीमीटर तो आज हमने वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को स्टडी किया। इसमें हमने देखा टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं ये एंटी पैरेलल हैं और ये अपोजिट हैं फ्रॉम 5' to 3' and from 3' to 5'। इसी तरीके से जो इसकी बैक बोन्स हैं ये शुगर और फास्फेट की बनी होती हैं। दरमियान में ATCG ये नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होते हैं और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बार और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बार मौजूद होता है। दीज टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरीके से हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं और एक टर्न की जो लंबाई है जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है या 34 एंगस्ट्रॉम है और ये एक डबल हेलिकल मॉडल है। थैंक यू वेरी मच।